हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुनियादारी एक्स पर। आज हम चंदा बिगा टू विलेज में हैं, जो अकोड़ीगोला थाने में है और गम्हरिया पोस्ट में है। यहाँ पर आज श्री काली माँ की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यज्ञ का आयोजन किया गया है। थोड़ी ही देर बाद जल यात्रा शुरू होने वाला है और सारे गाँव के सारे पुरुष और महिलाएँ आने लगे हैं और सारी तैयारियाँ शुरू हो चुकी है, सारी तैयारियाँ हो रही है और थोड़ी ही देर के बाद अभी जल यात्रा कलश लेकर सभी महिलाएं और पुरुष यहां से निकलेंगे गांव से और अकोड़ीगोला होते हुए अकोड़ीगोला लख पर जाएंगे, फिर वहां से होते हुए फिर नगर भ्रमण करते हुए फिर यहां पर वापस गांव में आएंगे, फिर उसके बाद यहां का कार्यक्रम होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम शुरू से अंत तक आपको जल यात्रा का नज़ारा दिखाने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प है, यह पारंपरिक है। और फिर चलिए हम आपको एक नज़ारा दिखाते हैं, काली माँ के मंदिर नया नया बना है जो वहाँ का। कैसा निकले ले धीरे जरा फर्क से छोटा वाला लेंस हो फोटो खींची। और थोड़ी देर के बाद जल यात्रा अब शुरू होगी और उधर देख सकते हैं आप घोड़े भी आ चुके हैं, उधर जल यात्रा में घोड़े भी जाएंगे। एक यात्रा है, एक काली माई का यहाँ पर स्थापना हो रहा है, नई मंदिर बनी है तो यहाँ पर स्थापना हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया गया है। आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, हम शुरू से अंत तक आपको पूरा जल यात्रा का नज़ारा दिखाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। यात्रा शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि सारे लोग, सारी महिलाएं और सारे पुरुष कलश लेकर निकल चुके हैं और जल यात्रा शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, देख सकते हैं आप कि जल यात्रा शुरू हो गई है, सारे महिलाएं और सारे पुरुष कलश लेकर अब प्रस्थान कर चुके हैं और यहां से प्रस्थान करके सीधा लख पर जाएंगे, अकोड़ीगोला लख पर। और अब हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, हम सारा नज़ारा आपको दिखाते रहेंगे। ये आप घोड़े देख सकते हैं, घोड़ा को दिखाइए जरा, इधर से उधर से इधर से दिखाइए, ये घोड़े भी आगे आगे चल पड़े हैं। यहाँ से टोटल कितना कितना कलश बांटा गया है, कितना कलश? 100 कितना कितना कलश बांटा गया है, है? कितना कलश है? 125 125 कलश के साथ चंदा बिगा टू से जल यात्रा शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं बड़ा ही धूमधाम से जल यात्रा शुरू हो चुका है, सारे लोग निकल चुके हैं कलश लेकर, गांव के सारी महिलाएं और सारे पुरुष निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नजारा है, बहुत ही अच्छा नजारा है, आप देख सकते हैं। अभी अभी आपने देखा कितनी लंबी ये जल यात्रा है, कितनी लंबी लाइन है यहाँ पर और टोटल कहा जा रहा है कि 125 कलश के साथ गांव के सारी महिलाएं और सारे पुरुष जल यात्रा में निकल चुके हैं। अब देख सकते हैं यहाँ से कितनी लंबी लाइन है, दिखाइए तुम्हारा अच्छी तरह से दिखाइए। चलिए फिर अब हमारे साथ फिर में बने रहिए, शुरू से अंत तक जल यात्रा का नजारा हम आपको दिखाते रहेंगे। Thank you.
गमलिया है ये, आप देख सकते हैं कि कुछ श्रद्धालुओं ने सेवा सत्कार का भी इधर उपलब्ध किया है, शरबत पिला रहे हैं और बिस्किट दे रहे हैं, काफी अच्छी बात है, काफी अच्छा काम हो रहा है, ये सराहनीय वर्क है। और आप देख सकते हैं कि पूरा जल यात्रा की टीम जो है बढ़ी जा रही है आगे, और गमरिया है, गमरिया में पहुंच गए, यहाँ से आप सीधा मकोड़ी गुड़ा की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, शुरू से अंत तक हम आपको जल यात्रा का नजारा दिखाते रहेंगे, स्टे ट्यून्ड। अभी जल यात्रा केशोबिगा पहुंच चुका है, केशोबिगा है ये, यहाँ पर भी थोड़ा विश्राम करेंगे, यहाँ पर व्यवस्था किया गया है अच्छा, यहाँ पर भी पानी वानी पीने का, शरबत यानी लस्सी पीने का कुछ व्यवस्था किया गया है, कुछ श्रद्धालुओं ने यहाँ पर व्यवस्था करके रखा है, अच्छा व्यवस्था किया है। ये केशोबिगा गाँव है और केशोबिगा में जल यात्रा पहुँच चुका है, और यहाँ से चलेंगे तो सीधा पनीपुरा जाकर रुकेंगे, फिर उसके बाद वहाँ दो मुहाने पर जाकर रुकेंगे। तो आप हमेशा बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, पूरी जल यात्रा का नजारा लेने के लिए अंत तक बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। अभी जल यात्रा कैसे बिगड़ से होकर गुजर रही है, आप देख सकते हैं ऊपर से नजारा कितना अच्छा दिख रहा है, ये काफी लंबी लाइन है कलश यात्रियों की, कलश लेने वालों की, महिलाओं की और पुरुषों की काफी लंबी लाइन है। आप बस इसी तरह से आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और अंत तक जल यात्रा के साथ आप भी हमारे साथ यात्रा करते रहिए, स्टे ट्यून्ड। और बच्चा लोग मजा आ रहा है? यस सर। धूप नहीं लग रही है? नहीं सर। भूख प्यास लगी है क्या? नहीं सर। ओके, प्यास लगे तो बोलना। यस सर। एक हालत जी। कोली पहुंच चुका है, यहाँ से उधर लक है, उस तरफ उस तरफ लक है, लक पर भी हम जाएंगे, सारे के सारे यात्री सारे महिला सारे पुरुष निकल चुके हैं लक की तरफ के लिए, तो चलिए फिर हम लक को लेकर चलते हैं। जी का
यात्रा डेहरी रोड पर पहुंच चुकी है और यहां से थोड़ी दूर के बाद वहां से मुड़ जाएगी ये जल यात्रा और सीधा लख पर जाएंगे हम। तो आप देख सकते तो आखिरकार जल यात्रा लख तक पहुंच गई। ये लख है अकोड़ीगोला का और यहाँ पर जल यात्रा पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर जो भी अनुष्ठान है वो पूरे किए जाएंगे, उसके बाद यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। लंगेश्वर विघा की तरफ से होकर फिर से जल यात्रा वापस जाएगी। तो आप अभी देखते रहिए, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और अंत तक जल यात्रा का नज़ारा करते रहिए। स्टे ट्यून्ड। यहाँ का जो भी अनुष्ठान था वो पूरा हो चुका है। अब ये जल यात्रा प्रस्थान करेगी यहाँ से, हालांकि प्रस्थान कर चुकी है, आप देख सकते हो तो प्रस्थान कर चुकी है और यहाँ से सीधा हम चांदी रोड होते हुए लंगेश्वर विघा होते हुए ये जल यात्रा चलेगी और फिर से चंदा विघा टू गाँव में पहुँचेगी। तो चलिए फिर साथ साथ चलते हैं और आपको जल यात्रा की नज़ारा अंत तक कराते हैं। स्टे ट्यून्ड। अभी पूरी जल यात्रा की टीम लंगेश्वर विघा की तरफ चल पड़ी है। आप देख सकते हैं कि ये जल यात्रा की टीम कलश लिए हुए गांव की सारी महिलाएं और पुरुष किस तरह से जा रहा है। काफी कठिन पद यात्रा है ये, किसी के भी पाँव में चप्पल या जूते नहीं है। आप दिखाइए जरा सभी के पाँव को, किसी के भी पाँव में चप्पल या जूते नहीं है। बहुत ही कठिन पद यात्रा है ये और इसके साथ हम भी चल रहे हैं लेकिन हम जूते पहन के चल रहे हैं तो हम चले ढिलने के चलते फिर साथ साथ चलते। अभी जल यात्रा पहुंची है भुआली बिघा गांव में। ये भुआली बिघा गांव है और यहाँ के श्रद्धालुओं ने पीने के लिए व्यवस्था कर रखी है शरबत वगैरह की। काफी श्रद्धालु लोग हैं, काफी सराहनीय काम है। जल यात्रा यहाँ से अब चलेगी, सीधा कहाँ पर पहुंचेगी, इसके बाद महतो टोला तक पहुंचेगी और फिर महतो टोला से सीधा चंदा बिघा पहुंचेगी। तो अभी काफी मुश्किल पद यात्रा है ये जो जल यात्रा है काफी मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि तपती धूप में चलना है और वो भी खाली पैर चलना है, तो कितनी मुश्किल हो सकती है आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए फिर हम जल यात्रा के साथ उसका नज़ारा देखते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो आखिरकार हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए, यहीं से जल यात्रा प्रस्थान की थी और अकोड़ीगोला लख होते हुए, लंगेश्वर विघा होते हुए, महतो टोला होते हुए और ये गोसाई टोला होते हुए फिर से वापस अपने गंतव्य पर पहुंच चुकी है और यहां से शुरू होगा अब अनुष्ठान। घर घर यही कलश वाले जितनी भी महिलाएं हैं और पुरुष हैं सारे घर घर द्वार द्वार पर जाएंगे और वहां पर कुछ अनुष्ठान किया जाएगा। हम आपको सारे का सारा नज़ारा दिखाएंगे कि जल यात्रा का सारा अनुष्ठान कैसे होता है, क्या होता है। जहां जहां भी हम जाएंगे आपको साथ लेकर जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए, जिन्होंने कलश यात्रा में भाग लिया था हम उनसे पूछ कर देखते हैं कि उनका अभी क्या हाल है। बहुत अच्छा हाल है। हाँ। तो ये सभी कलश यात्री हैं, आपने भी कलश लिया है। हाँ। तो जरा बताएंगे कि कैसा यात्रा रहा, कैसा अनुभव रहा आपका। हमको तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, इसमें कोई दिक्कत की चीज नहीं है। जितने खुशहाली से गए हम लोग उतना ही खुशहाली से वापस लौट आए। हाँ,
अच्छा, इसके बाद का कार्यक्रम क्या है वो जरा बताएंगे आप? इसके बाद का कार्यक्रम यही है कि हमारे जन थोड़ा दूर से हमारे जानकारी के अनुसार अभी 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 पता चला है कि जितना कलशधारी है उन लोगों को गाजर का हलवा दिया जाएगा प्लेट में, सब लोग खा करके पानी पी करके तब अपने अपने घर जाएंगे। घर जा करके अपने अपने दरवाजा पर स्टिक रहेंगे, मतलब तैयारी के साथ, जैसे दो अगरबत्ती और घी, घी को ऐसे नीचे हुम कर करके अगरबत्ती बार देना है।